फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल राउंड लिटरेचर। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेलेन गार्डनर, जिनका पूरा नाम डेम हेलेन लुईस गार्डनर था, जिनका जन्म 1908 में और 1986 में इनकी डेथ हो गई थी। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इनके बारे में मास्टर्स में भी पढ़ना है एंड नेट के प्रिपरेशन के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एज अ फीमेल क्रिटिक इंग्लिश लिटरेचर में हेलेन गार्डनर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। हेलेन गार्डनर एक ऐसी लिटरेरी क्रिटिक है गाइस, जिनके बारे में आपको यूट्यूब पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो मैंने उनके लाइफ और वर्क को इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट। सो डेम हेलेन लुईस गार्डनर वॉज अ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड अकेडमिक। हेलेन गार्डनर जो थी वो एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थी। गार्डनर बिगेन हर टीचिंग करियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम एंड फ्रॉम 1966 टू 1975 सी वॉज अ मार्टन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फर्स्ट वुमेन टू हैव दैट पोजिशन। हेलेन गार्डनर एक मशहूर इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थी। गार्डनर ने अपनी टीचिंग करियर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम से शुरू की थी एंड फ्रॉम 1966 टू 1975 वो मार्टन प्रोफेसर थी इंग्लिश लिटरेचर की। ये पोजिशन पहली बार किसी महिला को दी गई थी। She was best known for her work on the poets John Donne and T.S. Eliot, but also published on John Milton and William Shakespeare. उन्होंने अपने कई वर्क जॉन डन एंड T.S. Eliot के बारे में तो लिखी ही थी, बट मिल्टन एंड शेक्सपियर के बारे में भी लिखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन और प्रसिद्ध रही हैं। Her critical stance was traditional and focused on history and biography. It involved the work's historical context, the personal habits of the author, and the relationship of the text to the time period. Guys, सबसे पहली बात ये जानने वाली है कि जो modern critics थे वो ज़्यादातर textual criticism करते थे, यानी कि किसी writer की लिखी हुई जो राइटिंग है सिर्फ उनके टेक्स्ट के ही हिसाब से वो क्रिटिसाइज़ करते थे, ना कि राइटर के एज या पीरियड या उनके थॉट्स या उनके परसेप्शन के हिसाब से सिर्फ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म करते थे। बट हेलेन गार्डनर इनसे अलग थी। उनका क्रिटिसिज्म का स्टाइल ट्रेडिशनल था, मॉडर्न ना होते हुए ट्रेडिशनल था। उनका फोकस हिस्ट्री और बायोग्राफी पर भी होता था और वो किसी की राइटिंग को क्रिटिसाइज़ करते वक्त उनके राइटिंग का कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल, यानी कि राइटर क्या कहना चाहता है, और उसकी पर्सनल हैबिट्स या थॉट्स और ऑथर की जो टाइम ऑफ पीरियड या और टेक्स्ट के बीच का जो संबंध था उसको देख कर करती थी, ना कि सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर। चलिए आगे बात करते हैं। वन ऑफ हर बिलीव्स वॉज दैट अ लिटरेरी क्रिटिक्स जॉब इज़ टू असिस्ट अदर पीपल इन रीडिंग फॉर देयर देमसेल्व्स। गार्डनर की एक मान्यता या बिलीव कह सकते हैं यह थी कि एक साहित्यिक आलोचक यानी लिटरेरी क्रिटिक का काम दूसरों को पढ़ने से ज़्यादा स्वयं खुद के लिए पढ़ने में सहायता करना है। गार्डनर पब्लिश्ड ऑन T.S. Eliot फ्रॉम अर्ली ऑन इन हर करियर। एफ.ओ. मैथिनसन साइटेड हर 1942 एसे द रीसेंट पोएट्री ऑफ T.S. Eliot विद एब्रिवेशन। गार्डनर ने अपने करियर की शुरुआत से ही T.S. Eliot पर प्रकाशित किया है, यानी अपनी जो क्रिटिसिज्म है उन्होंने T.S. Eliot से ही शुरुआत की है। एफ.ओ. मैथिनसन ने अपने 1942 के इसे द रीसेंट पोएट्री ऑफ T.S. Eliot में यह लिखा भी है और काफ़ी पसंद भी किया है। सी प्रिपेयर्ड सेवरल एडिशंस ऑफ पोएट्री बाय जॉन डन, इंक्लूडिंग द डिवाइन पोएम्स 1952, सेलेक्टेड प्रोज 1967 एंड द एलिजीज एंड द सॉन्ग्स ऑफ सोनेट 1965।
all of which she has been credited for her careful work. उन्होंने जॉन लन की पोएम्स के कई एडिशन प्रिपेयर किए जिनमें द डिवाइन पोएम्स सेलेक्टेड प्रोज एंड द एलिजीज एंड द सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स शामिल हैं जिनमें से सभी को उनके केयरफुल वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। एज अ स्कॉलर ऑफ पोएट्री बाय T.S. एलियट शी हैज़ रिटन 3 स्टडीज ऑन एलियट एंड हैज़ ऑल्सो सेड दैट द पोएट इज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन हर क्रिटिसिज्म। द T.S. एलियट की पोएट्री के एक स्कॉलर के रूप में उन्होंने एलियट पर 3 स्टडीज और अध्ययन लिखे हैं और यह भी कहा है कि एलियट खुद ही अपने क्रिटिसिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। उनके जो क्रिटिसिज्म जो उन्होंने लिखे हैं उस पर T.S. एलियट का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। गार्डनर हैज़ ऑल्सो रिटन क्रिटिसिज्म ऑन जॉन मिल्टन एंड विलियम शेक्सपियर। गार्डनर इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ मेनी रीडर्स ऑन ब्रिटिश पोएट्री, मोस्टली सच पोएट्री फ्रॉम द लेट 16 टू द अर्ली 17th सेंचुरीज। Gardner was an Anglican Christian and her faith was a central part of her writing. Gardner ने मिल्टन और शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म भी लिखी है। गार्डनर ने ब्रिटिश पोएट्री पर कई रीडर्स के थॉट्स और परसेप्शन को इन्फ्लुएंस किया है। ज़्यादातर ऐसी पोइट्री जैसी 16th सेंचुरी के लास्ट से और 17th सेंचुरी के बिगनिंग तक की होती थी। गार्डनर एक एंग्लिकन ईसाई थी और उनका जो विश्वास था वो उनके राइटिंग्स में झलकता था, सबल पार्ट था उनके राइटिंग का। गार्डनर इज सेड बिलोंग टू नो स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ऐसा कहा जाता है कि गार्डनर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के किसी स्कूल से संबंधित नहीं थी। In 1979, Vane C. delivered the Charles Eliot Norton Lectures, published as In Defense of the Imagination. Gardner said that she opposed the then current trend of literary criticism to over-interpreting text and using technical jargons. 1979 में जब उन्होंने चार्ल्स एलियट नॉर्टन लेक्चर्स जो कि पब्लिश हुआ था एज अ डिफेंस ऑफ द इमेजिनेशन जो लेक्चर दिया था, तो गार्डनर ने कहा कि उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म उन्हें उस वक्त की जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होती थी, उस टाइम के जो करेंट ट्रेंड चल रहे थे वो उनके बहुत अगेंस्ट थी। वो जो करेंट ट्रेंड चल रहा था ना, जो ओवर इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट यानी कि बातों का जो जाल, शब्द जाल बनाकर जो बातों को यूज़ किया जाता था, जो तकनीकी जो उस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था वो उनके अगेंस्ट थी। व्हेन इट कम्स टू द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक सी स्टेटेड दैट इट इज़ टू शाइन अ टॉर्च एंड नॉट बिल्ड अ स्कल्पचर, मीनिंग दैट द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक इज टू इल्यूमिनेट रादर दैन द अटैक। फंक्शन, जब क्रिटिक के फंक्शन की बात आती है तो उन्होंने कहा कि यह शाइन अ टॉर्च एंड नॉट बिल्ड अ स्कल्पचर, जिसका अर्थ है कि एक क्रिटिक का जो काम है वो हमला करने की बजाय रोशन करना है। सो नाउ गार्डनर वॉज द डॉटर ऑफ चार्ल्स हेनरी एंड हेलेन मैरी रोडनाइट कॉकमैन गार्डनर। जो गार्डनर थी वो चार्ल्स हेनरी और हेलेन मैरी रोडनाइट कॉकमैन गार्डनर की बेटी थी। हेलेन गार्डनर एक्सप्लेन्स आर्ग्यूमेंट एंड पर्सुएशन एज द यूज ऑफ कंसाइट एज देयर इंस्ट्रूमेंट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मेटाफिजिकल पोएम। गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है, हेलेन गार्डनर यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएम को एक्सप्लेन कर रही हैं अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, और वो कह रही हैं कि किसी भी तर्क या समझाने की प्रक्रिया या फिर घमंड या अहंकार जब यूज़ करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट या किसी साधन की तरह, तो उसे मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं। हेलेन गार्डनर डाइड इन बाइचेस्टर इन 1986। उनकी जो डेथ थी वो 1986 में हो गई थी। ओके गाइस, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हर ऑनर्स की, उन्हें कितनी तरह की उपाधियां दी गई हैं। गार्डनर शी वॉज अपॉइंटेड एज
CBE in 1962 and as a Dame Commander of the Order of the British Empire 1967. गार्डनर जो हैं उनको 1962 में एज अ CBE अपॉइंट की गई थी. CBE यानी एक ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का एक ओहदा है, एक ऑनर है. और फिर उन्हें डेम कमांडर भी बनाया गया था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का 1967 में. सी रिसीव्ड ऑनररी डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज, लंदन, हार्वर्ड एंड येल यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज, लंदन, हार्वर्ड एंड येल यूनिवर्सिटीज़ की से उनको यू नो उपलब्धियाँ या उपाधियाँ प्राप्त थी. The character E.M. Ashford in Margaret Atkinson's Wit is based on Gardner. Wit was later adapted into a 2001 film. Margaret जो एडसन की विट थी, जिसमें एक कैरेक्टर था E.M. Ashford, जो कि आपको गार्डनर के कैरेक्टर से आधारित था. विट को बाद में 2001 में एक फिल्म में अडेप्ट किया गया था. She was listed in International Who's Who in Poetry 2004 under the subheading Literary Figures of the Past. उन्हें Literary Figures of the Past उपशीर्षक के तहत Poetry 2004 में International Who's Who in Poetry में listed किया गया था. So, चलिए अब हम उनके works के बारे में बात करते हैं. The New Oxford Book of English was 1215 was also published in Braille. Braille is a tactile writing system used by people who are visually impaired, including people who are blind, deafblind, or who have low vision. The New Oxford Book of English Words, yani 1215 to 1950 भी ब्रेल में पब्लिश हुई थी. यहाँ पर आप पूछेंगे कि ब्रेल क्या है, तो ब्रेल एक यू नो स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है. यानी कहने का मतलब है एक ऐसी राइटिंग के सिस्टम जिसमें जो देख नहीं सकते होते हैं या जो यू नो डेफ ब्लाइंड होते हैं या जो बहुत कम देख पाते हैं, उनके लिए यह एक तरीका होता है जिसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं या चीज़ें को समझ सकते हैं, जो बुक्स पढ़ सकते हैं उसको ब्रेल कहते हैं. ओके, गार्डनर्स 1971 बुक रिलीजन एंड लिटरेचर कलेक्ट्स टू लेक्चर सीरीज़. द 1966 इविंग लेक्चर्स ऑन रिलीजियस पोइट्री एंड द 1968 T.S. Eliot Memorial Lectures on Tragedy. गार्डनर की 1971 के बुक रिलीजन एंड लिटरेचर में दो लेक्चर सीरीज़ है, रिलीजियस पोइट्री पर 1966 का इविंग लेक्चर्स एंड ट्रेजडी पर 1968 का T.S. Eliot Memorial Lectures. सी also published an anthology of religious poetry, a book of religious verse, which according to her 1972 reviewer in the New York Times should be read in conjunction with her provocative lectures or religious poetry printed in her religion and literature. उन्होंने religious poetry का एक संग्रह, a book of religious work भी publish किया, जो कि New York Times में उनके 1972 के reviewer के अनुसार उनके religion and literature में छपी you know रिलीजियस पोइट्री पर उनके प्रोवोकेटिव लेक्चर्स के साथ पढ़ा जाना चाहिए. ओके, सो गार्डनर रोट मोर देन अ डजन बुक्स, मोनोग्राफ्स, क्रिटिकल एडिशंस एंड एंथोलॉजीज. सी एडिटेड द न्यू ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स 1250 to 1950, पब्लिश 1972, which replaced Arthur Quiller Couch's The Oxford Book of English Words. गार्डनर ने एक डजन से ज़्यादा अधिक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें मोनोग्राफ्स थे, क्रिटिकल एडिशंस जिसको आलोचनात्मक संस्करण कहते हैं एंड एंथोलॉजीज. उन्होंने द न्यू ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स जो कि 1215 से 1950 के थे, जो कि पब्लिश कराया गया था 1972 में,
उसका संपादन किया, जिसके जिसने आर्थर क्विलर काउच की द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्ड्स की जगह ले ली थी। डायना फॉर्च्यूनर रिव्यूइंग द बुक फॉर द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू प्रेज द लेक्चर्स ऑन ट्रेजेडी एज एन एसेंशियल इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट बट वॉज लेस इम्प्रेस्ड विद द लेक्चर्स ऑन रिलीजियस पोएट्री judging that it covered too much material and consequently did not read some selections fully enough. You know, modern language की review के लिए जब book का review करते हुए Dina Fortuna ने tragedy पर review किया an essential introduction to the subject यानी विषय के लिए आवश्यक परिचय के रूप में appreciate किया, लेकिन religious poetry पर review से कम प्रभावित हुई, कम इन्फ्लुएंस हुई, ये देखते हुए कि इनमें बहुत ज़्यादा सामग्री शामिल थी और इसके परिणाम स्वरूप सही चयन नहीं किया गया, पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था। जैसे कि आप अगर इससे ये समझ लीजिए कि कंटेंट इतना ज़्यादा उन्होंने रखा था, बट उन्होंने किसी भी कंटेंट को फुल्ली जस्टिफाई, फुल्ली उन्होंने इनफ तरीके से नहीं लिखा था, जिससे डायना फॉर्च्यूना ने लिखा कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुई थी उनके जो वर्क था उसके थ्रू। सो नाउ अब हम लोग बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं उनके वर्क्स की। तो उन्होंने द आर्ट ऑफ टी एस एलियट 1949 में उन्होंने टी एस एलियट के वर्क्स पर क्रिटिसिज्म लिखा था। डिवाइन पोएम्स ऑफ जॉन डन इन 1952, द मेटाफिजिकल पोएट्स जो कि आपके मास्टर्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है आपके मास्टर्स में, 1957 में पब्लिश हुआ था। द बिजनेस ऑफ क्रिटिसिज्म इन 1959, एडविन म्यूर द डब्ल्यू डी थॉमस मेमोरियल लेक्चर्स 1961, द एलेजीज एंड द सॉन्ग्स एंड द सोनेट ऑफ जॉन डन 1965, अ रीडिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट द अलेक्जेंडर लेक्चर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 1962, द वेस्टलैंड 1972, द एडमिनसन लेक्चर 3 May 1972। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू लाइक इट टू एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू मोर सच वीडियोज प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल ऑल राउंड लिटरेचर, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज।